नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नगर के मोतीबाग में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर एक जन जागरण रैली का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल सिसोदिया ने की। वहीं आपको बता दें कि संचालन संजय गुज्जर ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राठौड़ ने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल से मुस्लिम समाज के लोगों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है और न ही उन्हें भारत से कोई निकाल रहा है। सभी हमारे विधायक यहाँ के साथ हैं, बहुत बड़ी मात्रा में लोग हमारे साथ हैं पूरे देश के अंदर। एक ऐसी सरकार आई है तेज गति से काम कर रही है, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो नागरिक हैं, वहाँ तक देश का पैसा पहुँचा रही है, योजना ऐसी बना रही है जो हर नागरिक के लिए फायदेमंद रहे। और हमारी जो परंपरा रही है भारत की कि हम भारत में जो भी शरण मांगता है उसको हम शरण देते हैं, और जो कुछ छह धर्मों के जो लोग जो पड़ोसी देशों में प्रताड़ित हैं उनके लिए एक कानून बनाया गया है, उनको सरलता से यहाँ पर नागरिकता, उसके समर्थन में हम सब आए हैं। कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं जो भड़काने की कोशिश कर रही हैं, ये पार्टियाँ ऐसी हैं जिन्होंने आज तक कभी ना तो मुसलमानों के लिए न किसी और वर्ग के लिए काम करा है। ये भड़का इसलिए रही है क्योंकि ये देख रहे हैं कि मोदी जी की सरकार बहुत तेज गति से काम कर रही है, मोदी जी की सरकार के काम को पकड़ना असंभव होता जा रहा है, इसीलिए भड़काने की कोशिश कर रही है, इसलिए जागरूकता अभियान हो रहा है। आपने एक मंच से बात कही थी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय सेना में समानता है, क्या क्या समानता है? जो भारत को सबसे पहले रखता है, सबसे बड़ी समानता यही है कि सेना के अंदर हम भारत को सबसे पहले रखते हैं। और हमारी पार्टी का भी जो हमारी जो फिलॉसफी है, सिद्धांत है, वो भारत सबसे पहले और पार्टी बाद में। ये जो भगवा रंग है, ये शहादत का रंग है, ये सैक्रिफाइस का रंग है। और मुझे ये बताइए कि आप किस तरह से इस भगवा रंग को भी किस तरह से बताया जा रहा है, इसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ये रंग ऐसा है जो देश को सबसे पहले रखता है, अपने को सबसे बाद में रखता है।